आप सबका स्वागत है कोमल किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं सिवई की कटोरी में रबड़ी डाल के एक डिफरेंशियल डिश है। रोज सिवई खाते हो गए हैं बोल, तो बनाइए सिवई और रबड़ी। देखिए कितना अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है। कढ़ाई रखिए गरम करने के लिए, जिसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। ये घी है, आप तेल भी डाल सकते हैं, मैंने घी डाला है क्योंकि मीठे में घी अच्छा लगता है। अब हम उसमें 1 कटोरी सिवई डाल देंगे और इसे गुलाबी होने तक हमें चलाते रहना है। देखिए हमने सिवई को अच्छे से भून लिया है, अब देखिए अच्छे से गुलाबी हो गई। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच हमें पानी डाल के इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना है। ये देखिए हम इसमें 2 चम्मच मिल्क में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। जो ये मेरा मिल्क मेड है इसलिए डार्क है क्योंकि मेरी सिवई का जो कलर है, हमारी जो बास्केट बनेगी हमें वो पूरी ब्राउन बनानी है, इसलिए हमें ब्राउन वाला मिल्क मेड यूज किया है। वैसे व्हाइट वाला भी यूज करते हैं और आप व्हाइट वाला भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। ये इलायची पाउडर को हम देखना है वीडियो, तो आप हमारे आई बटन में देख सकते हैं। देखिए हमारी सिवई अच्छे से सूख गई है, अब हमें फ्लेम को तुरंत ऑफ कर देना है। मैंने पहले कटोरी में बटर पेपर बिछा दिया, उसके बाद मैंने ये सिवई डाली है ताकि जो अपनी कटोरी बने वो इजीली हमारी कटोरी से निकल आए। और देखिए मैंने कैसे अच्छे से सेट कर रही हूँ। इसे प्रेस करने के बाद हमें 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। इसी तरह हमें बाकी कटोरी भी बनानी है। देखिए मैंने दोनों कटोरी को अच्छे से सेट कर दिया है, अब हमें 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख देना है। देखिए मैंने ये 1 कप दूध लिया है, इसमें मैं 4 चम्मच दूध पाउडर से ऐड कर दूंगी। ये देखिए मैंने 1 कप ठंडा दूध लिया था और 4 बड़े चम्मच मैंने दूध पाउडर लिया है और मैं इसे पहले अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि इसके सारे लम्स हैं वो खत्म हो जाए और दूध पाउडर हमारा अच्छे से दूध के अंदर मिल जाए। आप देख रहे हैं कि कितना ये दूध हमारा गाढ़ा हो गया। देखिए ये हमने इसलिए किया है कि हमारी जो रबड़ी है वो बहुत गाढ़ी चाहिए और गाढ़ी बनाने के लिए हमें ये दूध पाउडर डालेंगे, तो हमारी रबड़ी जल्दी गाढ़ी बनेगी और अच्छी टेस्टी सी बनेगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर के फुल क्रीम दूध डाल देंगे और इसे हमें चलाते रहना है ताकि नीचे तलवे में बैठे नहीं। रबड़ी हमारी उबलने के बाद नीचे तलवे में कई बार बैठ जाती है। इसमें हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची की खुशबू रबड़ी में बहुत अच्छी लगती है और मैं इलायची फ्लेवर वाली रबड़ी बना रही हूँ, आप केसर फ्लेवर भी बना सकते हैं। मैं इसके लिए इलायची फ्लेवर पसंद किया क्योंकि सिवई के साथ इलायची फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। देखिए जो हमारी रबड़ी है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इस पर 1 चम्मच बड़ा शक्कर डाल देंगे क्योंकि ज़्यादा मीठी रबड़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही डाला है। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और मैंने इसमें जो शक्कर यूज की है वो पेसी भी शक्कर है, आप खड़ी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मेरी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम जिसमें नट्स है ना उसे हमें ऊपर से भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं। मैं थोड़े नट्स अंदर डाल दूंगी और थोड़े से ऊपर रख दूंगी। ये देखिए मैंने 20-25 काजू को फाइन काट के रखा था, मैंने वो डाल दिया है। थोड़े से मैं पिस्ते डाल दे रही हूँ। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, इसे पहले रूम टेम्परेचर पे रखना है, फिर फ्रिज में रखना है सेट करने के लिए। पहले 1 घंटे हम रूम टेम्परेचर में रखेंगे, फिर 1 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे क्योंकि ज़्यादा ठंडी भी नहीं अच्छी लगती है रबड़ी, ज़्यादा गर्म भी अच्छी नहीं लगती है। आप देख सकते हैं रबड़ी का कलर कितना अच्छा सा है। और हमारी जो सिवई की कटोरी आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से सेट हो गई है। हम दोनों में रबड़ी पोर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ते से गार्निश कर देंगे, आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, मैंने पिस्ते से किया है। और ये टूटी फूटी है जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है और ये मेरी होममेड टूटी फूटी है। अब हम इसके ऊपर चांदी बर्फ लगा देंगे।
ये देखिए मेरी सेवई रबड़ी बनके तैयार हो गई है। इसे आप अपने घर पे बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी। अपने एक्सपीरियंस कॉमेंट के साथ शेयर कीजिए। कॉमर्स किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द ऐसे ही वीडियो आप तक मैं पहुँचाती रहूँ।